अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल, वेलकम एन अदर व्लॉग, वेलकम एन अदर ब्यूटीफुल डे। तो आज के दिन मैं आपको दिखाऊंगी अपने शूज़ कलेक्शन, मेरे पास कौन कौन से टाइप्स के जूते हैं। अगर तो आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। और चलिए आपको दिखाते हैं अपने जमा किए हुए शूज़। तो चलिए दोस्तों आपको दिखाती है अपनी शू कलेक्शन के मेरे पास कौन कौन से शूज़ मौजूद हैं। हो सो आप इसको ज़रूर लाइक करेंगे। तो दोस्तों इतने महंगे और ब्रांडेड शूज़ तो नहीं है, लेकिन लोकल जो शूज़ है वो मैंने कलेक्ट करके रखे हुए हैं, आपको दिखा सकती हूँ। सबसे पहले जो मैं आपको ये वाली जूती दिखा रही हूँ, ये बहुत ही हल्की फुल्की है और पहनने में बहुत ईजी, आप किसी भी से पार्टी में, शादी ब्याह में आप पहन सकते हैं। थोड़ी सी फैंसी टाइप है लेकिन इसकी कीमत भी ज़्यादा नहीं है, तो ये आप इजीली वेयर कर सकते हैं। इसके बाद दूसरी अगर मैं आपको चप्पल दिखाऊं तो ये भी जो है हल्की फुल्की है और थोड़ी सी फैंसी टाइप है, इसे भी आप किसी भी शादी ब्याह तकरीब में पहन सकते हैं, किसी भी पार्टी में, किसी भी फंक्शन में। तो ये दूसरी हो गई। इसके बाद दोस्तों आपको दिखाती चलूँ ये तीसरी चप्पल है जो कि आप घर में पहन सकते हैं। ये थोड़ी हील वाली है लेकिन हील वाली मैं ईजिली पहन नहीं सकती, इसलिए मैं कम ही पहनती हूँ। ये काफ़ी पुरानी हो चुकी है लेकिन अभी भी मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। इसके बाद दोस्तों ये शूज़ है जो कि आप किसी भी शादी, किसी भी तकरीब, किसी भी पार्टी में इजीली पहन सकते हैं। ये ज़्यादातर सर्दियों में आप जो है वो पहनते हैं लेकिन आप इसे गर्मियों में भी यूज़ कर सकते हैं, ये क्योंकि बहुत ही हल्की फुल्की है और इसे आप बगैर सॉक्स के पहन सकते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत है, जो मुझे कि सबसे ज़्यादा पसंद है। इसके बाद दोस्तों अगर मैं आपको दिखा पाऊँ तो ये मेरे पास जो है वो सैंडल टाइप है, जो कि मैं अक्सर जो है वो किसी भी सिटी में मेरा विजिट हो या कहीं भी जाना हो तो ये मैं पहन कर जाती हूँ। इसके बाद दोस्तों मैं अगर आपको दिखा पाऊँ तो ये मेरे पास सैंडल मौजूद हैं, ये भी शादी ब्याह, किसी भी तकरीब, किसी भी फंक्शन में मैं पहन सकती हूँ। इसे मैं घर में भी लोकली यूज़ करती रहती हूँ। बहुत ही कम कीमत में मेरे पास जो जूते हैं वो मौजूद हैं। ये भी दोस्तों आप देख सकते हैं खुसा टाइप है, इसे भी मैं घर में यूज़ करती हूँ लेकिन ये अब काफ़ी पुराना हो चुका है, लेकिन मेरे ये शूज़ कलेक्शन में अभी भी पड़ा हुआ है। इसके अलावा दोस्तों मेरे पास ये शूज़ मौजूद हैं जो कि हील वाले हैं। हील वाले मैं जो है वो आसानी से नहीं पहन सकती, मेरी टांगों में शदीद दर्द होता है। ये थोड़ी सी भी फैंसी टाइप है, इसे भी आप किसी भी फंक्शन में पहन सकते हैं, ख़ासतौर पर ऐसे लोग जिनके कद छोटी हों तो इसको पहन सकते हैं। ये भी खूबसूरत है और ज़्यादा महंगी तो नहीं है लेकिन दूसरे जूतों के मुकाबले में ये थोड़ी सी महंगी है और बहुत नरम मुलायम है। इसकी जो तलवे हैं वो बहुत ही सॉफ्ट हैं, जो कि ईजीली आप वेयर कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर मैं आपको दिखा पाऊँ तो ये मेरे पास चप्पल मौजूद है जो कि मैं घर में पहनती हूँ और ये भी हल्की फुल्की है। तो आप देख सकते हैं मेरे पास जितने भी शूज़ कलेक्शन है वो ज़्यादा महंगे नहीं है, सिंपल से हैं, आप उसे घर में भी यूज़ कर सकते हैं और आप इजीली किसी भी पार्टी, किसी भी शादी, किसी भी तकरीब, किसी भी इवेंट में आप इसको वेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी शूज़ कलेक्शन जो कि मैंने आपसे शेयर की। होप्स हो कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। ज़रूरी नहीं कि आप ब्रांडेड चीज़ों को ही लाइक करें, आप लोकल चीज़ों को लाइक ना करें। जितना हम अफोर्ड कर सकते हैं उस हिसाब से, उस मुनासिबत से हम भी चीज़ें ले लेते हैं। व्लॉग की सूरत में इन तमाम चीज़ों को शेयर करने का मकसद ये है कि ब्रांडेड चीज़ों से हट कर भी आप वीडियोस को लाइक करते हैं, व्लॉग्स को लाइक करते हैं। तो आप ज़रूर बताइएगा कि इन तमाम जूतों में से कौन सा जूता अच्छा है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बहुत सारी मज़ीद इंटरेस्टिंग चीज़ें भी शेयर करना क्या जो है वो सोच रही हूँ। तो प्लीज़ आप इस व्लॉग को ज़रूर लाइक, शेयर एंड वायरल कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।